भाई आज अपन चला रहे हैं फोर्ड फ्री स्टाइल डीजल, है ना। तो चलाते हैं, पहले तो इसको नीचे कर, यार कूल लगता है काफी। ठीक है जी, और सेकंड गियर में है अभी, डीजल वाली है ये। जो आपके इंजन के स्टार्ट से, वो आपकी स्क्रीन पे मैं अभी फ्लैश कर दूंगा, मतलब फ्लैश क्या कर दूंगा, लिख दूंगा यार, है ना, गलत निकले जाना है। हाँ जी, थोड़ा सा रास्ता खुले तो हम भी इसको खोल पाए। एक्सेलरेशन है, भयंकर एक्सेलरेशन है। ओल्ड, हाँ जी, तो आपको बेसिक बता देते हैं, 1500 सीसी का इंजन है, डीजल है, फोर्ड की तरफ से है, और भाई रॉकेट है। पोलो डीजल के बाद अगर कोई दूसरी गाड़ी जो उस तरीके की एक्साइटमेंट या शायद उससे ज्यादा एक्साइटमेंट आपको दे सकती है तो यही गाड़ी, देखना ध्यान से। मिड रेंज के बाद कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है मिड रेंज के बाद। मिड रेंज जहां आपने हिट करा उसके बाद तो ये गाड़ी भाई रॉकेट है। और अच्छा लगता है, मतलब एक स्टेबल गाड़ी होती है ना आपके पास, तो आप जब चलाते हो ना आपको इंस्पायर करती है, कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि हाँ आप जा सकते हो, अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हो उस गाड़ी के साथ, तो वो एक अच्छा जो है एक्सपीरियंस हो जाता है पूरा आपका ड्राइविंग का ओवरऑल, समझ रहे हो। तो ये चीजें कुछ हैं, हाँ जी, इसे ले लेते हैं, आगे तो ट्रैफिक मिलेगा जी। देख रहे हो टर्निंग रेडियस, देख रहे हो इतने ही सी सड़क में मैंने घुमा दी गाड़ी, मालिक भी अच्छा दे रही, देखो भगाते भगाते भी 50-49 दिखा रही भाई। देखो सिटी में मैं बोलूँ ना, जैसे दिल्ली में ये गाड़ी है, तो दिल्ली जैसी सिटी में तो वही एवरेज देगी आपको मोटा मोटा 16-17, है ना। और हाईवे पे मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसे बंदे के हाथ में ना हो, कोई थोड़ा जो तमीज में चलाता है उसके हाथ में हो, तो अच्छा एवरेज भी दे देगी गाड़ी। कंफर्टेबल है यार, सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल गाड़ी है। पोलो स्टिफ है, पोलो काफी स्टिफ है, लेकिन ये कंफर्टेबल है एज कंपेयर्ड टू पोलो। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि पोलो कंफर्टेबल नहीं है, पोलो ये भी कंफर्टेबल है फेयरली, बट ये ज्यादा है। ओके जी, फिर से अगेन, हियर वी गो, नाइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हट जाओ। थैंक यू। ओके जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, काफी ज्यादा अच्छी चलती है फ्रोड फ्री स्टाइल, हम अभी इस टाइम पे चला रहे हैं, ऊंची गाड़ी है, अच्छा खासा जो है ऑफ रोड भी इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है किसी भी तरीके का। हाँ, ओवरऑल इट इज अ नाइस कार। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्विक वीडियो था, कुछ ऐसे खास नहीं था इसके अंदर, बस चला के बताना चाह रहा था कि मैं क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आई गेट एक्साइटेड, चूंकि एक अच्छी गाड़ी मेरे हाथ में आती है, इट इज़ अ नाइस कार एक्चुअली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब।